मारो फिरंगियों को, ये नारा किसने दिया था? ए चंद्रशेखर आजाद, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब है सी भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म कब और कहां हुआ था? ए पंजाब 1907 में, बी कश्मीर 1906 में, सी पाकिस्तान 1909 में, डी उत्तर प्रदेश 1908 में। आपका सही जवाब है ए पंजाब 1907 में। दही का पीएच मान कितना होता है? ए 4 से कम, बी 3 से कम, सी 6 से कम, डी 8 से ज्यादा। आपका सही जवाब है सी 6 से कम। दुनिया के किस देश में सबसे अधिक घोड़े हैं? ए रशिया में, बी कनाडा में, सी भारत में, डी मंगोलिया में। आपका सही जवाब है डी मंगोलिया में। भारत में पहली बार राष्ट्रपति कब बने थे? ए 1943 में, बी 1936 में, सी 1947 में, डी 1950। आपका सही जवाब है डी 1950 में। दुनिया में हल्दी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ए नेपाल में, बी जापान में, सी भारत में, डी भूटान में। आपका सही जवाब है सी भारत में। विश्व में किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु बम हैं? ए अमेरिका के, बी रूस के, सी भारत के, डी चीन के। आपका सही जवाब है बी रूस के। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ए सूर्यमुखी, बी कमल, सी गुलाब, डी मोगरा। आपका सही जवाब है बी कमल का। भारत के किस राज्य में लोग सबसे अधिक इंटरनेट चलाते हैं? ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। आपका सही जवाब है ए महाराष्ट्र। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में एक बार होता है? ए 5 सालों में, बी 7 सालों में, सी 4 सालों में, डी 3 सालों में। आपका सही जवाब है सी 4 सालों में। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ए कपास में, बी बाजरा में, सी मक्का में, डी गेहूं में। आपका सही जवाब है ए कपास में।
किस फल को पकने में 2 साल लग जाता है? ए चीकू, बी लीची, सी अनार, डी अनानास। आपका सही जवाब है डी अनानास। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होती है? ए लिथियम, बी क्लोराइड, सी पोटेशियम, डी सोडियम। आपका सही जवाब है सी पोटेशियम। हरिद्वार किस नदी के घाट पर स्थित है? ए यमुना नदी, बी गंगा नदी, सी सतलुज नदी, डी चंबल नदी। आपका सही जवाब है बी गंगा नदी। लाल केला किस देश में पाया जाता है? ए भारत में, बी कोरिया में, सी नागालैंड में, डी चीन में। आपका सही जवाब है डी चीन में। ऐसे जीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।